हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है लेट नाइट थॉट। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या उनको महसूस होता है, क्या आपकी कमी उनको खलती है। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है, या फिर आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर को जरूरत महसूस होती है या नहीं आपकी, क्या वो आपके बिना खुश है। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब हम टैरों से निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश है या नहीं, उनके लेट नाइट थॉट में वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का लेट नाइट थॉट क्या है, क्या फील करते हैं वो। ओके, शफलिंग हो गई है और हम निकालेंगे कार्ड्स, देखेंगे कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स आ रहे हैं तो ले लेते हैं, यहां से भी कुछ कार्ड्स हम लेंगे। डियर, चलिए काफी कार्ड्स हमने ले लिए हैं, कार्ड्स हमारे पास में आ चुके हैं और देखते हैं कि क्या फील करते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट में, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो डियर, बॉटम की एनर्जी बता रही है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, 2-10 की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में भी हैं। हो सकता है उनका फैमिली जो है वो नहीं मान रहा था, वो फैमिली जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इस रिश्ते को लेकर, और वही बात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में मुझे नजर आ रही है। तो बॉटम की एनर्जी से जो कार्ड निकले हैं वो हमने देख लिए हैं। यहां पर डियर हेरोफेंट का, हर्मिट का कार्ड है। ओके, पता नहीं हेरोफेंट क्यों निकला, द हर्मिट है और 10 ऑफ कप्स। 3-10 की एनर्जी आई है डियर, आप देख रहे हैं हमारे पास में द फूल की एनर्जी आई है, द फूल और डियर यहां पर इम्प्रेस आई है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में। तो डियर आप छाए हुए हो, यूं समझ लीजिए कि आपके पार्टनर आपके दीवाने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके जगलिंग कर रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर इस कदर छाए हुए हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पर ये इम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है और डियर वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट में बहुत सी बातें ऐसी चल रही हैं जिसके लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैमिली, परिवार, घर, इन सब के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम से सोचना। और डियर ये ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे हैं, इनकी प्लानिंग चल रही है काफी टाइम से। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर थोड़ा सा खोए खोए से रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, वो वाली एनर्जी है। और अचानक से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ जिससे आपका और इनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है, तो वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। डियर यहां पर कुछ कार्ड्स, आपके पार्टनर मैजिक कर रहे हैं, एक ऐसा मैजिक जैसे कहते हैं ना प्यार का जादू चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके प्यार का जो जादू है वो आप पे चल जाए किसी ना किसी तरह से। और डियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपने ईगो को साइड रखना चाहते हैं, उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पार्टनर जो है
कुछ तो ऐसा डिसाइड करेंगे जिससे कि यहाँ रिश्ता जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर अगर ईगो बहुत था तो डियर भूल जाइए, ये बंदा जो है सुधरने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी तरह अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वाली एनर्जी है। बात करी जाए कार्ड्स की तो आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे डियर। यहाँ पर साइन आपको मैं बता देती हूँ, तो साइन है यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जो है वृषभ कन्या मकर राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, तो कर्क वृश्चिक मीन राशि है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, और डियर एरीज लियो सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि है। तो ये राशियां जो है हमारे पास में आई हुई हैं, और ज्यादातर मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके बाद में मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। बात करी जाए कुछ नंबर्स में आपको बताना चाहूंगी, 10-10 नंबर जो है आपके लिए बहुत बहुत खास हो सकता है, हो सकता है आपको बार बार 10 नंबर दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आप अपने मोबाइल पे या कहीं भी बार बार 10 नंबर को देख रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ नंबर्स यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर हो सकता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और डियर 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ओके, और 14 नंबर। तो ये नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, 4 नंबर भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी है। बात करी जाए कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में क्या है, बहुत ज्यादा सपने देखे जा रहे हैं, किसी बात को लेकर सपनों में खोया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने सपनों में आपके साथ में कोई डेट शेट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये पार्टनर कोई डेटिंग पर जाने वाला एक ड्रीम्स देख रहे हैं, कि ये पार्टनर जो है आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। और डियर ये पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, इनके लेट नाइट थॉट में ये पार्टनर इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, जहां पर ये पार्टनर आपके साथ में एक होना चाहते हैं और डियर शादी करना चाहते हैं, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और किसी तरह का रिस्क लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो इनका लेट नाइट थॉट जो है वो बहुत ही यूं समझ लीजिए रोमांटिक होने वाला है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनकी जाग रही है, इमोशंस इनके जाग रहे हैं, वो वाली चीज दिख रही है। इनके ड्रीम्स में ये सपने देख रहे हैं, और ऐसा सपना जिसमें ये आपसे शादी कर रहे हैं, उसके आगे की लाइफ ये आपके साथ जी रहे हैं। डियर यहाँ पर आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये आपको ऐसे जगह पे ले जाने चाहते हैं, हो सकता है कोई हिल स्टेशन हो, या फिर यूं समझ लीजिए कोई लेक वगैरह हो जहां पर पानी हो, इनको पानी से बहुत मोहब्बत हो सकती है, या फिर आपको लेक वगैरह पे घूमना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। तो ये पार्टनर जो है वो आपको ऐसे ही जगह पर ले जाना चाहते हैं डेट पर, और डियर ये आपको जहां भी ले जाएंगे ना वहां पर आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये पार्टनर जो है आपको एक ऐसी स्पेशल जगह देने वाले हैं, स्पेशल फील कराने वाले हैं, जिसमें आप अपने आप में ही ऐसा लगेगा आपको कि आप इस पार्टनर की रानी हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा लव देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं, ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं कि जैसे आप इनकी मलिका हो, जैसे आप इनकी क्वीन हो, वो वाली फीलिंग्स ये आपके दिल में जगाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको लव देना चाहते हैं। इनके फीलिंग्स में रोमांटिक फीलिंग्स ज्यादा दिखाई दे रही है, टच वाली फीलिंग्स ज्यादा दिखाई दे रही है, और इनका लेट नाइट थॉट जो है वो इसी तरह का दिख रहा है। डियर यहाँ पर आपकी बात करी जाए तो आप मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर कभी तो मेरे करीब आ जाता है, कभी तो ये एकदम से सडनली चला जाता है, कभी तो मुझसे बात ही नहीं करता है, कभी तो घंटों हो जाते हैं फोन ही नहीं लगाना है, और अचानक से सडनली फोन आएगा, फिर ऐसे बात करेंगे जैसे कि बरसों से बिछड़े हुए हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पार्टनर जो है, ऐसा आप फील करते हो आपकी ये पार्टनर जो है इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, पार्टनर जो है इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इस रिश्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर जब आपसे बात नहीं करते हैं, जब आपको इग्नोर करते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये पार्टनर को अपने स्टेटस का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने स्टेटस में
बहुत ज्यादा घमंड है, तो आप ऐसा फील करने लगते हैं कि यार ये पार्टनर पता नहीं मेरा साथ देगा या नहीं देगा, आगे तक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कभी कभी तो आप होप छोड़ भी देते हैं, और कभी तो आपके होप इस कदर बढ़ जाती है मानो कि कोई अगर पत्थर की लकीर भी खींच दे और बोले कि यही बात सच है, फिर भी आप नहीं मानने को तैयार होंगे कि नहीं ये पार्टनर ऐसा नहीं है, ये पार्टनर ऐसा है। तो यहाँ पर आपका दिल जो है डोलता रहता है डियर अपने पार्टनर के लिए। प्यार आपके दिल में बहुत सारा है, बहुत लव है आपके दिल में अपने पार्टनर को लेके। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनसे दूर हो चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उनको छोड़ के जा चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। फिर भी आप उनके ख्वाब देखते हैं, पता नहीं आप क्यों उनको भुला नहीं पाए हैं, पता नहीं आप उनकी यादों में इस कदर खोए हुए हैं। जब भी आप कोई प्यार करने वाले जोड़े को देखते हैं या फिर कोई लव कपल्स को देखते हैं, तो आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोने लगता है अंदर ही अंदर, और आपको लगता है कि आज मेरी पार्टनर मेरे साथ होती या मेरा पार्टनर मेरे साथ होता तो शायद हम दोनों भी इसी तरह से बैठे होते, इसी तरह से इंजॉय कर रहे होते। देखिए किस तरह से ये कपल्स जो हैं एक दूसरे को हग करते हुए बैठे हुए हैं, इसी तरह से कहीं ना कहीं आप दोनों भी बैठे होते तो ये आपके ड्रीम्स जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकांत में बैठ जाते हैं, अकेलापन अपने आप को देते हो, जबकि माहौल इतना खुशनुमा रहता है फिर भी आप अकेले में जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हो। पता नहीं बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में रहना पसंद करते हैं कुछ लोग, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों ने अपने आप पर काम किया है, कुछ लोगों ने अपना दिमाग जो है, अपनी जो दिल है, दिल दिमाग जो है दोनों को ही कहीं ना कहीं फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया है। आप अपने वर्क पे काम करने लगे हो, आप अपने ऑफिस वर्क पे इतना ज्यादा बिजी हो गए हो कि आप इस पार्टनर की याद में खोना भी नहीं चाहते हो। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह बिजी कर लिया है कि आप पूरा आपका शेड्यूल जो है एक ऐसा बना लिया है जिसमें आपको आपके पार्टनर की याद बिल्कुल ना आए। पर क्या करें, रात जो होती है ना आपको बेचैन कर देती है। सारी चीजें तो ठीक है, दिन का समय आपका कट जाता है, फ्रेंड्स के साथ बातें हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो वही चेहरा, वही बातें, वो सिचुएशन, वो सेपरेशन, वो लव, वो प्यार, वो फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं सताने लगती है और आप करवटें बदलते रह जाते हो। तो ये फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आई है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, जरूर शेयर कीजिएगा। और डियर इस कदर आप जागते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब सवेरा हो गया। यहाँ पर कुछ लोग अपने पैसों को लेकर बहुत डिस्टर्ब है, हो सकता है कि आपने इस प्यार के चक्कर में, इस लव के चक्कर में अपने जॉब को खो दिया है। आप इस तरह दुखी हो, आपके जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जहां पर आपको लगता है कि आप हार चुके हो। कभी कभी तो आप मैनिफेस्ट करते हो अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में, कभी कभी तो आपको लगता है कि वो पार्टनर ने गलत किया है। तो दो दो थॉट्स डियर आपके मन में भी कहीं ना कहीं झूलते रहते हैं, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर कोई विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, कोई ऐसा सवेरा, कोई ऐसा पल आपकी जिंदगी में आ रहा है, पर पास्ट आपसे छूट नहीं पा रहा है। कुछ नए पलों को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो, पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, बस होप रखे हो कि हे ईश्वर सब कुछ सही हो जाए, हे ऊपर वाले सब कुछ सही हो जाए, यूनिवर्स से, डिवाइन से कहीं ना कहीं प्रे करते हो आपकी सारी चीजें सही हो जाए। आसमान की तरफ जब भी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हो सकता है कि आपको या आपके लवर्स को ये सितारे, ये स्टार देखना बहुत पसंद है, और आप भी वही स्टार देखकर उसकी वही पास्ट की बातों को याद करते हैं। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और डियर बात करी जाए आपके पार्टनर के जज्बातों की, उनके लेट नाइट थॉट में, तो उनके लेट नाइट थॉट में ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर बैलेंस बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर क्या करे, उनको वो प्यार नहीं मिल पा रहा, वो लव नहीं मिल पा रहा, वो इमोशंस नहीं मिल पा रहे जिसका वो कहते ना इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने रिस्क भी लेना चाहा, पर डियर वो चीज नहीं मिल पाई जो चीज इन्होंने खो दी थी। हो सकता है कि आपका
प्यार जो है, आपकी जो सुंदरता है, आपके अंदर जो एक कितना मायूसी नहीं बोलना चाहिए, मासूमियत जो थी, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके अंदर दिखती थी ना, वो कहीं ना कहीं खत्म से हो गई है। ऐसा हो गया है कि इस पार्टनर ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। और डियर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जितने ज्यादा अच्छे दिखते थे ना, अब ऐसे हो गए हो कि बहुत ज्यादा कहना चाहिए इमोशनली होने की जगह अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। आपने अपने आप को हार्ड वर्क करके इतना स्ट्रांग बना लिया है कि ये पार्टनर को दुख होता है कि एक समय था कि ये कितनी क्वीट थी, कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी लगती थी या लगता था, और आज इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, आज मैंने ही इसको कहीं ना कहीं इतना हार्ड दिल दे दिया है, जिसके दिल में कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि कोई की आंख में आंसू देखकर रोना आ जाता था, आज उस इंसान की आंखों से आंसू सूख चुके हैं। इस कदर आपको इस पार्टनर से तकलीफ मिली है, नो कांटेक्ट मिला है, विश्वासघात मिला है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। जगलिंग आपके पार्टनर के दिल में चल रही है, आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, आपके पार्टनर का दिल जो है वो जगलिंग कर रहा है, सोच रहा है कि वापस से वो कोई जश्न मनाए, वापस से वो कोई अच्छा पल ढूंढ ले, पर मुमकिन नहीं है। इस पार्टनर ने शादी करी है किसी और से। डियर यहाँ पर यह एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया था, किसी और के साथ में शादी किया है, किसी और के साथ में मैरिज किया है। अगर आप लोग मैरिज पर्सन थे तो ये पार्टनर आपको छोड़ कर गए हैं, ब्रेकअप किया है इस पार्टनर ने किसी और के कारण, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है किसी और इंसान की। और डियर किसी और के चक्कर में आपके पार्टनर आपके प्यार को भूल गए, आपके लव को भूल गए, आपने जो उनके लिए किया वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भूल गए, और सिर्फ अपनी खुशियां, अपना परिवार, अपने जज्बात ही इनको याद रहे, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में एक ऐसी एनर्जी जिसको मैं कहूं तो रिस्क लेना चाहेंगे। एक ऐसा रिस्क जिसमें, यूं समझ लीजिए, एक ऐसा रिस्क जिसमें आपके पार्टनर एहसास फील कर रहे हैं आपके साथ में। मैंने कहा ना कि जो उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, जो सपने देखे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं। तो ये आने वाले 24 घंटे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट डगमगाने वाले हैं डियर। इस कदर पागल होने वाले हैं आपके पार्टनर आपके प्यार में, आपके लव में, आपके इमोशंस में, कि ये बहकने वाले हैं, इनके कदम बहकेंगे। और डियर ये डगमगाते दिख रहे हैं और ये आपके करीब भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, काफी लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहां पर मिलते दिख रहे हैं, आपका और इस पार्टनर का मिलना संभव दिख रहा है। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आने वाले हैं, बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ साथ मैं बोलूं तो रोमांटिक फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। आपकी खूबसूरती के घायल हो रहे हैं आपके पार्टनर, इनके लेट नाइट थॉट में ये ड्रीम्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे सपने देख रहे हैं जिसमें ये आपको अपनी बाहों में लेकर बैठे हुए हैं। और डियर ये रिस्क लेने को भी तैयार है, इनको अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और इनका दिमाग जो है बिल्कुल संतुलन में नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है। एक तो आपकी चाहत इनको रहने नहीं दे रही, एक तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ऊपर से डिप्रेशन इनको हो रहा है कि कैसे किस तरह से ये आपको अपनी तरफ कर ले, ये किसी और को आपकी तरफ देख ही नहीं सकते। यहाँ पर आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, इस कदर ब्यूटीफुल दिख रहे हो कि ये पार्टनर को लग रहा है कि कोई और आपको ना देख ले, कोई और आप पे नजर ना कर ले। हो सकता है आप अपने ओरा को बहुत क्लीन कर रहे हो सकता है आप अपने ओरा पे वर्क कर रहे हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई तो आप
यहाँ पर चैंटिंग किसी तरह की कर रहे हैं, जिससे आपके एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बदल रही है। तो आपके पार्टनर को आपकी बदलती एनर्जी जो है वो बहुत इफेक्ट कर रही है और पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुक रहे हैं। तो डियर यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, करते रहो, लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आए तो आ जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि पार्टनर जो है तड़पे, ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके प्यार को फील करे, तो ये भी होता दिख रहा है। ये पार्टनर आपके प्यार को, आपके लव को फील करने वाले हैं, और डियर इस कदर इनकी रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ने वाली है कि ये पार्टनर आपके जो समझ लीजिए आप में से काफी लोगों का रियूनियन हो सकता है। तो आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर बहुत जल्द आपके जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। काफी लोगों के लिए तो ऐसा होने ही वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में यू समझ लीजिए आप दोनों एक हो जाएंगे। आप दोनों दो जिस्म मगर एक जान हो, आप वो वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। और डियर ये आपसे किसी तरह की माफी, किसी तरह का गिल्ट इनके दिमाग में चल रहा है, और ये होप रखे हुए हैं कि आप इन्हें माफ कर दोगे। आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, देखिए ये पार्टनर होप रखे हुए हैं कि आप इन्हें माफ कर देंगे, आप इनकी सारी गलतियों को माफ करके इनको अपना लोगे। ठीक है, तो यहां पर ये पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। और डियर ये आपको बहुत बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत लव देने वाले हैं, बहुत प्यार देने वाले हैं। दोनों के बीच में फायर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आई होप आपको रीडिंग जो है रेजोनेट करी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। डियर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।